था कि सुबह से हम लोग पागल जैसे एक कुत्ते को संभाल रहे हैं, रो रहा है वो, हम लोग जानते हैं हम लोग कैसे कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे कितने डॉग देखते हैं दिन भर में, रात में उठ उठ के आते हैं ना, करते हैं ना चीज़ें। जिस केस के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं ना, हमें ना उनको सुबह 11 बजे उनका फ़ोन आया, हमने उनको बोला था कि हम लोग आएंगे लेकिन 2 बजे के बाद ही आ पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी रेस्क्यू पे निकली हुई है। हमने बोला कि ठीक है मैम, आपने बंद कर लिया, अच्छी बात है, हम आपको बता रहे हैं, निकल जाएंगे और आज ले ही लेंगे डॉग को। एंड सडनली उन्होंने ऑफिस लाइन में फ़ोन कर दिया है डायरेक्टली एंड बहुत सारी बातें वहाँ पर बोली और बहुत अब्यूसिव है, बहुत सारी गालियाँ भी दी उन्होंने मेरे को। मैंने उनको ये बोलने के लिए फ़ोन किया था अभी दोबारा कि ठीक है हम लोग आ रहे हैं करके, अब गाड़ी थी नहीं हमारे पास, गाड़ी नहीं थी, मैं क्या भेजती। हिंदी में बहुत ज़ोर ज़ोर से गालियाँ दी है ना उसने, ऐसे नहीं होता है। इतने एफर्ट्स को लोग ये नहीं बोल सकते ना कि तुम लोग करते क्या होकर। ठेके के पास गाड़ी लगा दीजिए क्योंकि अंदर गली में आना पड़ेगा ना, तो मैं अपने फादर को बोलती हूँ। किसका है डॉग? एक किसी का नहीं है, गद्दी लोग आते हैं ना उनका छूट गया था ये, बहुत सिंसियर कुत्ता ये। अच्छा, क्या हुआ इसको? इसको कुत्ते ने बस कुश्ती की होगी इस आपस में, तो उसके बाद ऐसा हुआ और इसको को तो कोई ने कॉल किया था ना, वो वाइट ट्रैप कुछ बोल रहे थे, कौन है कॉल किया था ना? नहीं नहीं उसमें नहीं लगा, नहीं अभी फोन करने वाला यहाँ नहीं है, अब चले गया ना वो। कब? अब सर कुछ 10 मिनट पहले गया वो, अभी हम आए थे। नहीं नहीं वो दूसरी लड़की है मेरी। नहीं ठीक से बात नहीं हुआ ना, हम चलो ऐसे किया मतलब आई फील सॉरी ना, हमारा नहीं तो काम तो है हमारा, हम तो आ ही गए ना इसके लेने, पर ऐसा आप गवर्नमेंट वालों को बोलोगे ना तो उनको कोई नहीं बोलता है, जो फ्री में करता है ना। मैं भी गवर्नमेंट का भाई हूं, मैं भी ड्राइवर हूं, नहीं कोई, हमें तो आपके इस बारे में हमें पता है कि आप लोग आते हैं ऐसे एनजीओ है, आप लोग आप तो जनाब की है ना, हमें तो पता ही नहीं है। पर वहां पे भी लड़की थी ना जो बात कर रही थी, वो रोने बैठ गई, मतलब गड़ी गंदी गाली निकाली बोला, वो रोने बैठ गई, पता नहीं मुझे उसके बारे में पता, क्योंकि मैं भी तो कभी सकल लगे तो सोया था। हां हां पता है आप, नहीं सोए हो, आप बोल रहे चली गई है, वो फोन में बता रहे थे कि सो रहे हैं, बोलते मैं जा रही हूं। जिस केस का तुम अभी मुझे बता रही थी, तुम मुझे नहीं बता, तुम्हारे पे इतना इम्पैक्ट है, मैंने देखा फुटेज तो, सॉरी आई मीन बहुत ही अब्यूसिव हो गए लोग अब तो गालियां देने लगे हैं फोन पे, इतना हो गया। आप फोन काट दिया करो, वो मैं सुना कि भाई हम तो वो तो लोकेशन पे भी है नहीं, वो तो बस फोन करके। सर हमारी गाड़ी निकल चुकी थी, वो लोग वहाँ वेट कर रहे थे, अब इतना दूर हम लोग गए हैं, डॉग को भी चलो इंजरी है, उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग तो हम काम नहीं कर सकते। उसका डॉग का हुआ क्या? डॉग यहीं रखा है मैंने, क्योंकि उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया हमारा, जब हम उसको मैंने उनसे बात की थी कि हम इसको वहीं ऑन स्पॉट ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा देंगे, रोज ही ट्रीटमेंट कर देंगे। हाँ, क्योंकि इसका तो कोई वायर ट्रैप अपॉइंटमेंट हम आपको दे देंगे, तो आप भी इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हो खुद ही, माइनर डैमेज है, हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कोई भी फोन हमारा रिसीव नहीं किया, ना उनके फादर ने किया, ना कोई कॉल बैक आई है। व्हाट्सएप में से छोड़ दो ना सर, वॉइस नोट मैंने भेजा था यही बात बोलने के लिए, लेकिन उनका वो आज जो रिप्लाई आया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उसमें भी वो यही कह रहे थे कि मैं समझ गई हूँ आप लोग डॉग सिर्फ वीडियो के लिए लेके जाते हो और अगले दिन जाके वापस छोड़ देते हो। इसके ऊपर आपका ना तो कोई रेस्क्यू होता है ना कुछ होता है, मुझे ये तो पता चल गया है ना कि आप लोग काम किस तरीके से करते हैं। आई नो आपने कल फॉर्मेलिटी और एक वीडियो बनाने के लिए उसको लेके गए थे आप, तो आपको बोलना था ना उन्हें कि यहाँ आ जाओ, यहाँ देख लो यहाँ पे क्या चल रहा है, मतलब आपके घर से कोई बहुत दूर तो है नहीं, हमारे 8 किलोमीटर के दायरे में ही है ना ये लोग। सर उनके हिसाब से तो हमें बंद कर देना चाहिए ये चीज, तो मैंने बोला आप यही समझ लो कि हमने बंद कर दिया है, आप दोबारा मत फोन। हाँ उनको कहो कि आपके लिए भाई बंद है। खैर लेकिन एक वेनु बता रहा था कि अच्छी कॉल भी आई उसने। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, लेकिन मुझे सॉरी, ये जो भागता हुआ गया है इसकी क्या कहानी है? पहले जो लोग आए थे ना, जो गोट रेस्क्यू किया था उन्होंने, और वो रख नहीं पा रहे थे, घर पे भी जगह नहीं हो रही थी, तो उस टाइम उन्होंने टाइम लिया, सोचा कि वो सच में यहाँ पर छोड़ पाएंगे कि नहीं, फिर वो खुद आए, कुछ दिन बाद कॉन्टेक्ट किया, फिर उसको ये यहाँ पर ड्रॉप करके गए हैं, वो आते भी हैं मिलने इससे, लेकिन अब से ये यहीं रहेगा। तो मेरे को वैभव ने इसका वीडियो भेजा था, ये देखो ये जो चीज है ना, बेटी जी जेलस है इससे, दिन भर में ये रहता है ना हमारे सामने, ये लोग नहीं करते, लेकिन फर्स्ट डे जब मैंने इसको शाम को छोड़ा था तो ये बहुत जोर जोर से रोने लगा अचानक से, तब हम आए तो फिर देखा कि भाई साहब इसको मार रहा था, और ये भी है ना, फिर इसको क्या ना घर पे भी रहने की आदत हो गई है ना, तो जब मैं इसको लेके जा रही थी फॉस्टरिंग के लिए, फिर वैभव ने बोला कि वो रखेगा करके, मैं इसको फॉस्टर कर सकता हूं। यस पक्का? यस पॉटी करेगा घर में? मैं साफ कर दूंगा। ठीक है फिर ट्राई करते हैं एक दिन, फिर तुम मुझे कल बताओ है ना, अगर हो सकता है तो। एंड ये बहुत कंफर्टेबल है वैभव के साथ,
मतलब ये वापस आने को भी नहीं देखता है, और जब वैभव आता है तो उसके पीछे 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 हो लेता है। अरे वैभव तो वहाँ पे सुपर एक्साइटेड फोन कर रहा है, मैं इसके साथ, इसको सब राजा राजा कह रहे हैं, इसका नाम राजा ही रखता। राजा वैसे मैं अगर रखता तो बेटा जी रखता, या गुरु का सजेशन था कि कान्हा, आप लोग बताइएगा। खैर वो, और जो अच्छी कॉल थी वो क्या रेस्क्यू है सर? वो भी केस काफी सीरियस था, वो बुल था एक, उसके उर्मीन था, मतलब बुल है एक, हाँ बुल है जिसके शोल्डर वाले हिस्से में बहुत बड़ा एक मैगेट वुंड है, और डीप ना। लेकिन उन्होंने फर्स्ट चीज ये की कि खुद उसकी हेल्प करने के लिए, तुरंत उसको रिलीफ पहुंचाने के लिए उसको हल्दी वल्दी डालने लगे, उसको खाना पानी वगैरह दिया। हमें कॉल कर रहे थे लेकिन लंच टाइम होने की वजह से फोन, इसी तो हड्डियां निकली हुई हैं सारी। हाँ सर बहुत ही कमजोर है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा वुंड है इसको, बहुत। ये शर्ट किसने सिली है इसकी? शर्ट नहीं है सर, ये कपड़ा है पतला, ताकि मक्खियां ना बैठे, क्योंकि बहुत एक्सपोज्ड एरिया है ना। इसके तो कान में भी चोट है। हाँ तो उन्होंने पहले तो इसको किया, फिर फोन बंद था तो वो खुद आए यहाँ पर ना, और उसके बाद यहाँ लंच टाइम था सर। अच्छा, उसके बाद आए तो फिर उन्होंने वेट किया कई देर, फिर हमसे बात हुई, फिर वो वापस गए बैल को देखने, वहाँ पर रुके, और उस तब तक हमारी गाड़ी भी वहाँ पहुँच गई। लगभग 2 घंटे का हो गया ये सारा चीज़, लेकिन वो लोग वहीं पर थे हमारे लिए। तो ओल्ड है ना? हाँ ओल्ड भी है, बहुत ही वीक है इसका। हमने टेस्ट वगैरह भी कराया है तो टेस्ट रिपोर्ट्स भी अच्छी नहीं आई हैं। जैसे क्या क्या टेस्ट आपने कराए हैं सर? LFT के लिवर। अच्छा, जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है आपसे। हम कोशिश सारी कर रहे हैं इसके इम्यून के लिए, जो सप्लीमेंट्स होने चाहिए वो सारा दे रहे हैं, लेकिन ये स्लोली होगा, जो पुराना इतना लंबा डैमेज है उसको हील करने में टाइम तो लगेगा। और वो जो अंदर डॉग बैठी हुई है ब्लैक एंड व्हाइट, हाँ जी, वो एकदम सोती रहती है, स्लीपिंग ब्यूटी। बहुत बूढ़ा डॉग है, दोनों आंखें खराब है, यूवेटाइटिस का उसको इशू है, जो इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है आंख में, और उसके लिए अभी हम लोग उसको, सॉरी मुझे थोड़ा सिंपल आप समझाओगे क्या मतलब उसकी आंख, मतलब वो देख नहीं पा रहा? नहीं, दोनों आंखों से नहीं देख पा रहा, पर कैटरैक्ट नहीं है ये? तो ये ठीक हो सकता है, लेकिन जब ये आया था तो इसके दोनों कानों में इतना इतना लंबा मैटिंग था, हैवी है ना, पूरे अभी भी होगा शायद। मैटिंग मतलब इसके बाल एकदम ऐसे गुंजल बने हुए थे पूरे, और हेवी ना एकदम पुराना, और पेट के नीचे वाले हिस्से में। तो फर्स्ट तो हमने इसको बात वगैरह कराई लाके, फिर थोड़ी ट्रिमिंग की, हेयर्स की, अभी भी ये अलता तो है, लेकिन ये दिन भर लगभग सोना प्रेफर करता है। ये लंप क्या है इसके सर पे? सर ये वॉट्स हो सकते हैं, जो कि एक यहाँ पर है और एक आँख के ऊपर है। तो पहले तो हम इसका जो बाकी ट्रीटमेंट है वो करेंगे, थोड़ी स्टेबल कंडीशन में आ जाए। तो ये ब्रीड डॉग है इसलिए इसके साथ इतनी प्रॉब्लम्स हैं क्या? वॉर्ट्स भी हैं आपने कहा? ओल्ड एज प्लस ब्रीड डॉग, क्योंकि अगर यही इंडी ओल्ड एज होता है ना, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है जितनी एक ये ब्रीड डॉग में हेल्थ इश्यूज आते हैं, वो 7-8 की उम्र में शुरू हो जाता है। और इसको सड़क पे छोड़ा हुआ था किसी ने बहुत लंबे समय से शायद, और ऐसे सुनसान रास्ते में था। जो सिरीन नाम था जो इसे लेकर आया, उन्होंने खुद ही इसको उठाया, रेस्क्यू किया, वो टैक्सी वगैरह करके वो खुद आई यहाँ पर, इसको छोड़ कर गए। और इसकी तो सुधार बस इतना है कि रेस्ट पे है, आराम से सोता है यहाँ पे, और खाना वाना खा ले रहा है, तो कोई अभी उतना प्रॉब्लम नहीं है। तो क्लिनिक डॉग ये फिलहाल के लिए? मैं कैनल में इसलिए नहीं रख रही क्योंकि ये लोगों की आवाज़ सुनता रहे, स्ट्रेस में ना आए, क्योंकि ब्रीड डॉग्स को, ये टॉय ब्रीड्स को तो प्रॉब्लम आती है ना अकेले रहने में। इसकी अडॉप्शन नहीं हुई अभी तक? नहीं। एक वेनू ही बता रहा था, वो भी फुटेज देख रहा था, एक बड़ा अग्रेसिव डॉग आया हुआ था, उसके नाक में लीच थी, वो किसी का पेट था और इतना अग्रेसिव था कि उसको रोकने के लिए, हैंडल करने के लिए हमारी लगभग पूरी टीम बाहर थी। तो अग्रेसिव क्योंकि नाक में लीच थी इसीलिए अग्रेसिव था? अग्रेसिव ही था, और उसका खुद का ओनर उसको हैंडल नहीं कर पा रहा था लीच निकालने के लिए, और ओनर भी मैनेज नहीं कर पा रहे थे, इतना पावरफुल डॉग भी था वो। मुझे लगता है कई बार ना ये हम जो एनिमल लवर्स होते हैं ना, हम ही जो हैं समस्याएं खड़ी कर देते हैं। हम शौक में एनिमल ले आएंगे लेकिन हमें रखना नहीं आता, और हम एनिमल के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, अपने लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, अल्टीमेटली फिर हमें वो डॉग हम भाई सड़क पे छोड़ देते हैं, भैया तो काटता है, लोग उसको फिर पीट पीट के मार देते हैं, या हम एनिमल लवर्स होते हैं वो रेस्क्यूअर्स के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। जिस तरह की कॉल मैंने देखा, जो ज्योति का रिएक्शन था, मतलब कि ठीक है हमने उस एनिमल की हेल्प कर देनी है, पर आप बताओ मैं क्या बताऊँ आपके बिहाफ पे, लाइक आप मेरे को ऐसा लगता है ना कि ठीक है आप एनिमल लवर हो, लेकिन अगर कोई ऐसी इंजरी जिसको आप बहुत आराम से अपने पास मैनेज कर सकते हो, तो आप एटलीस्ट ये सोच लो कि अगर आप उसको एडमिट नहीं कराओगे तो उसकी जगह किसी और एनिमल को हेल्प कर सकते हैं हम, और दूसरा ये कि हम लोग भी काम अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ एनिमल्स के लिए आए हैं। मैं कह रहा हूँ भूल जाओ, नहीं कर सकते हेल्प, वो जानवर की इंजरी ऐसी है कि नहीं कर सकते हेल्प, हम एट कैपेसिटी भरे हुए हैं,
तो हमारे पे चिल्लाने से क्या होगा, हमारे पे चिल्लाने से यही होगा कि जो जानवर यहाँ पे हैं हम उनका इलाज भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, हमारा ध्यान उधर लग जाएगा। सर बात कैपेसिटी की भी नहीं होती, लोग ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बस उन्होंने फ़ोन किया और हमारी गाड़ी जैसे गेट पे खड़ी हो और निकल जाए। हमें बहुत कुछ, जैसे ऑलरेडी गाड़ी कभी रेस्क्यू पे गई होती है ना, या ट्रीट ऑन स्ट्रीट पे गई होती है, या कहीं और हमारे पास रेस्क्यूअर है नहीं अभी, क्योंकि अभी साहिल भी नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती है। लेकिन बहुत अग्रेसिव हो गए, ऐसे 4 कॉल आए हैं इस हफ्ते में जो लोग बस हम पे भड़क रहे हैं। साहिल, डॉक्टर गुलशन, गौरव तो मेरे साथ स्पीति गए हुए थे, वेनू भी हमारे साथ गया था, दौलत राम जी भी, क्योंकि हम वहाँ पे स्टरलाइजेशन का एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। मेरे साथ वहाँ पे एक थोड़ी फनी बात हुई, वहाँ पे आई ओवरहर्ड कि अरे पीपल फार्म तो सिर्फ फेसबुक पे ही काम करता है ये, तब जब हम मौके पे 150 कुत्तों को स्टरलाइज करने का टारगेट लेके गए हुए। और पिछले हफ्ते के अपडेट, अप्पू, छोटा भीम, मास्टर जी, चमकीली, अकेली, ये सब हम आपको, और झोला का भी, क्योंकि झोला का अडॉप्शन आज तक का सबसे बेहतरीन अडॉप्शन रहा है हमारा, तो और झोला, इन सब के अपडेट हम आपको कल देंगे।